आज के वीडियो में आपको यामी गौतम की शादी के बाद उनकी फर्स्ट लोरी सेलिब्रेशंस के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोरी का ओकेजन है और हर कोई ये लोरी अपनी फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। यामी गौतम की सिस्टर ने यामी गौतम की लोरी सेलिब्रेशंस की पिक्चर शेयर की हैं और उनको शादी के बाद उनकी फर्स्ट लोरी की कॉन्ग्रेचुलेशंस दी है। यामी गौतम और आदित्य धार लास्ट ईयर शादी के बंधन में बंधे थे और यामी गौतम ने शादी के बाद अपने फैंस के साथ अपनी पिक्चर शेयर की थी, जिन्हें देखकर फैंस बिल्कुल ही शॉक रह गए थे। यामी गौतम और आदित्य धार एक साथ काम कर चुके हैं और आदित्य धार फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। यामी ने अपनी शादी के मौके पर अपनी मदर की साड़ी पहन रखी थी क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत प्यार करती हैं और उनको अपने साथ ही रखना चाहती थी। इसके अलावा यामी गौतम बहुत ही इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी में शादी के बंधन में बंधी थी और यामी चाहती भी यही थी। यामी का कहना था कि उन्हें ग्रैंड और लेविश वेडिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो चाहती हैं कि वो छोटी सी शादी में शादी करें ताकि उनकी शादी पर कम से कम पैसे खर्च हों और जो पैसे वो शादी से बचाएं वो किसी अच्छी चैरिटी पर खर्च कर सकें। यामी गौतम की ये सोच उनके फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आई और यामी की इस सोच को देखते हुए उनके फैंस ने उनको बहुत ज्यादा प्रेज भी किया। यामी और आदित्य धार अपनी फर्स्ट लोरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और फर्स्ट लोरी की पिक्चर्स यामी के सिस्टर ने शेयर की हैं। यामी गौतम की इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यामी गौतम ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी है विद फुल मेकअप एंड फुल ज्वेलरी और यामी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आप बताइए आप लोग अपनी लोरी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपको यामी गौतम की लोरी सेलिब्रेशंस कैसी लगी, हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।